निकी तांबोली ने मांगा जैस्मिन भसीन से माफी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या कर दिया था निकी ने जिसके बाद उन्हें मांगनी पड़ी जैस्मिन से माफी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों आज हमें बिग बॉस सीजन 14 में दोस्ती की एक अलग ही लहर देखने को मिली जहाँ पे निकी तांबोली ने दिखाया दरिया दिली अंदाज और कहा जैस्मिन भसीन से आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। उस दिन के लिए मैं इतना रूड नहीं होना चाहती थी बट पता नहीं वो टास्क के दौरान मेरा एग्रेसिवनेस जो है आ गया बाहर और मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। इस बात को सुन के जैस्मिन भसीन भी पिघल गई और उन्होंने अपना लिया निकी तांबोली को यानी कि निकी को माफ कर दिया। वेल मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कि किस समय की घटना है। अगर आपको याद होगा तो जब घर के अंदर चल रहा था नॉमिनेशन टास्क उस समय निकी तांबोली ने अब्यूज किया था। गार्डन को जब डेकोरेट करना था और निकी संचालक बनी हुई थी उस समय शो की और निकी तांबोली ने अब्यूज किया पहले शहजाद देवल के साथ फिर उसके बाद जैस्मिन भसीन के साथ क्योंकि जैस्मिन की अलग टीम थी और निकी तांबोली अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रही थी जिसके बाद जैस्मिन और निकी के बीच में तू मैं हो गई। उसी के बाद जैस्मिन और निकी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे लेकिन आज निकी ने अपना दरिया दिली दिखाया और जाके जैस्मिन भसीन से माफी मांगी। तो ऐसे में जैस्मिन कैसे निकी से रूठी हुई रह सकती है। जैस्मिन ने झटपट से निकी को माफ कर दिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए निकी का ये दरिया दिली अंदाज आपको कैसा लगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है ना मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच। Oh, 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 oh,